अक्सर हम अपने लाइफ के फ्रीडम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमको अपने लाइफ में कोई काम नहीं करना पड़े, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पड़े, अपने फैमिली का ध्यान नहीं रखना पड़े, हर एक चीज से बाहर निकलना चाहते हैं और हर एक चीज से भागना चाहते हैं। लेकिन दोस्त, क्या सही में तुम फ्रीडम ऑफ लाइफ को ऐसे ही समझते हो? फ्रीडम ऑफ लाइफ यही होता है? आज हर एक चीज क्लियर करूंगा, स्टेप बाई स्टेप आप सही तरीके से समझ पाओगे कि फ्रीडम ऑफ लाइफ क्या होता है, आप अपने लाइफ में कैसे आजाद हो सकते हो, आपको अपने लाइफ में कैसे फ्रीडम मिल सकती है। हर एक चीज होगा स्टेप बाय स्टेप, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, सही तरीके से कनेक्ट करके देखना और सही तरीके से हर एक स्टेप को समझना, आप अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग, आप अपने लाइफ में फ्रीडम होना चाहते हो, आप अपने लाइफ में आजादी चाहते हो, हर एक चीज मिलेगा आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझना। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ लाइफ क्या होता है, क्योंकि हम लोग फ्रीडम ऑफ लाइफ को थोड़ा गलत तरीके से समझते हैं। तो आज थोड़ा सही तरीके से समझ लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ लाइफ क्या होता है। एक जो व्यक्ति अपने लाइफ में आजाद है, स्वतंत्र है, फ्रीडम है, उसका लाइफ कैसा होता है, कैसे सोचता है और कैसे रहता है, हर एक चीज को थोड़ा समझ लो, क्योंकि डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप जो फ्रीडम ऑफ लाइफ को समझते हो थोड़ा गलत तरीके से समझते हो, तो थोड़ा आप सही तरीके से समझ लो कि फ्रीडम ऑफ लाइफ क्या होता है। जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में स्वतंत्र है, फ्रीडम है, जो भी व्यक्ति अपने आप को आजाद महसूस करता है, हमेशा आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो, हमेशा वो बंदा, उसका दिमाग शांत रहता है, उसका दिमाग काम रहता है, हमेशा अपने लाइफ के रिगार्डिंग फेयरलेस रहता है, हमेशा हर एक चीज के लिए फेयरलेस रहता है, हमेशा उसको अपने लाइफ में सेटिस्फेक्शन रहता है, हमेशा अपने लाइफ को लेकर टेंशन फ्री रहता है, उसको रात में कभी नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना गोली के सोता है और बहुत ही सही तरीके से सोता है। दोस्त, अगर सही में मैं बोलूं तो फ्रीडम ऑफ लाइफ इसी को बोला जाता है। और सही में जो व्यक्ति अपने लाइफ में फ्रीडम महसूस करता है, जो अपने आप को आजाद महसूस करता है, हर एक चीज उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप देख सकते हो। जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में फ्रीडम से रहता है और आजादी से रहता है, वो अपने लाइफ में उस हर काम को कर सकता है जो भी वो करना चाहता है, जो भी उसके अंदर से आता है करने के लिए, वो बिना सोचे समझे उस काम को सही तरीके से कर सकता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में आजाद रहता है, फ्रीडम रहता है। बड़ा सिंपल सा बात है इस चीज को समझने के लिए, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त, कुछ चीजों को सही तरीके से समझ लेना है, आप सही तरीके से अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको अपने लाइफ में आजादी चाहिए, आप अपने आप को आजाद महसूस करना चाहते हो, आप अपने आप को फ्रीडम लाना चाहते हो या दिलाना चाहते हो, सबसे आसान और सही तरीका यही है दोस्त। जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में आजाद है, उसको आप देख सकते हो, हर एक चीज उसके अंदर मिलेगा, जो अभी मैंने क्लियर किया। अभी थोड़ा सा इस तरीके से समझ लिया आपने कि फ्रीडम ऑफ लाइफ क्या होता है, आप थोड़ा इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको फ्रीडम ऑफ लाइफ कैसे मिल सकता है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझना और अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग अप्लाई करना, आपको भी अपने लाइफ में फ्रीडम मिल सकता है। अगर आप भी चाहते हो अपने लाइफ में टेंशन फ्री रहना और बिना गोली के सोना, रात में अच्छी तरह से नींद आए, तो बस अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग एक चीज क्लियर करो। सबसे पहले अपना टारगेट क्लियर कर लो कि आपका टारगेट ही फ्रीडम होना चाहिए, आपका गोल ही आजादी होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त, आपका टारगेट ही फ्रीडम होना चाहिए और आपका गोल ही फ्रीडम होना चाहिए। अब इस चीज को पाने के लिए और इस चीज को अचीव करने के लिए बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, और इस चीज को समझना होगा, आपको अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, ऐसे समझ सकते हो कि इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग हमेशा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में आजाद महसूस कर सकते हो, फ्रीडम आपको मिल सकता है। और बड़ा सिंपल सा और एक ही यही एक रास्ता है जिससे आप अपने लाइफ में फ्रीडम ला सकते हो और अपने आप को आजाद महसूस कर सकते हो। इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं होता दोस्त, क्योंकि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, तब तक आपको अपने लाइफ में आजादी नहीं मिलने वाली है। अगर आप सोचते हो कि मिल जाएगी, तो बड़ा गलत चीज सोचते हो। इसलिए दोस्त, अगर अपने लाइफ में आजादी चाहिए, अपने आप को फ्रीडम करना चाहते हो या अपने आप को आजाद करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, यही एक रास्ता है अपने लाइफ में आजाद होने का। तो दोस्त, आप सही तरीके से समझ गए होंगे कि फ्रीडम ऑफ लाइफ क्या होता है। आप हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करो, सही तरीके से जान पाओगे
और समझ पाओगे कि एक जो व्यक्ति अपने लाइफ में फ्रीडम है, जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में आजाद महसूस करता है और टेंशन फ्री रहता है, कोई ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं चलाता है, बस कुछ चीजों को क्लियर कर लेता है और कुछ चीजों को कर देता है जिससे वो सही तरीके से अपने लाइफ में आजाद हो पाता है और सही तरीके से आजादी को महसूस कर पाता है। इसलिए दोस्त आप अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग यही एक ट्रिक है, टिप्स है, जो भी समझना है समझ लो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको अपने लाइफ में आजाद होने के लिए और अपनी आजादी पाने के लिए। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक।